एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा सीरम समझ लीजिए या फिर नाइट क्रीम समझ लीजिए, मैं ऐसी चीज़ आप लोगों के साथ रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो कि इन दिनों जो समर्स का टाइम चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। बहुत ही सस्ता है, बहुत आसानी से बन जाता है। तो गाइस, इसे ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। विद इन अ 15 डेज आप लोगों को इसका रिजल्ट मिल जाएगा और बहुत ही गजब का रिजल्ट मिलता है। तो गाइज, इन दिनों हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ों से मतलब दिक्कत होती है, जैसे हमें इन दिनों बहुत ज़्यादा पसीना आता है। पसीना आने के कारण हमें बहुत ज़्यादा कई लोगों को क्या कि गंदगी होती है, पसीना एक तो उस कारण ज़्यादा पिंपल्स होने लगते हैं, बारीक बारीक से दाने दाने होने लगते हैं, फिर पिंपल्स होते तो उनके दाग धब्बे भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को क्योर करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी है। तो चलिए गाइज, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये रेमेडी में हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करना है और किस तरीके से यूज़ करना है। इस रेमेडी का सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है टोमेटो जूस। यू कैन सी मैंने इतना लिया है, ये करीब होगा 1 टेबलस्पून के करीब। ओके, तो ये इतना मुझे 8 दिन चल जाता है। मैं इसे अभी करेंटली यूज़ कर रही हूँ, 15 से 20 दिन हो गए हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ इसका रिजल्ट शेयर किया है। सो गाइज, टमाटर जो होता है उसको मैंने क्या किया है कि आधा टमाटर लिया है, उसे कद्दूकस कर लिया है। देन स्ट्रेनर की हेल्प से या फिर कपड़े की हेल्प से उसे छान लेना है। तो इस तरीके से पतला सा जूस निकल जाएगा, तो वो आपने लेना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग लेंगे विटामिन ई का एक कैप्सूल, हम लोग इसमें ऐड करेंगे। तो गाइस, सबसे फर्स्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ टमाटर काम करेगा क्या। तो टमाटर जो है गाइस, वो आपके स्किन से जो भी एक्सेस ऑयल है, एक्सेस सिबम है, या फिर एक्सेस जो आपको पसीना बहुत अति मात्रा में जिसको आता है, वो उसे कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करता है। प्लस पसीना नहीं आएगा तो आपको पिंपल्स की दिक्कतें नहीं होगी। और तो गाइस, इसमें सिट्रिक एसिड होता है जो कि विटामिन सी पाया जाता है इसमें, जो कि आपके स्किन को फेयर करने में भी आपकी हेल्प करता है। प्लस गाइज, आपको अगर टैनिंग की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, और जो भी अभी जैसे कई लोगों को अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल रामबाण इलाज है टमाटर का जूस। बहुत ही गजब का वर्क करता है, आपको मतलब नोटिसेबल एक रिजल्ट मिलेगा विद इन 15 डेज। आप लोग ज़रूर इसे नेक्स्ट टाइम भी बनाना चाहोगे खुद होके। सो नेक्स्ट जो हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं, एक विटामिन ई का कैप्सूल। तो विटामिन ई आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना हेल्पफुल होता है आपकी स्किन के लिए, इतना अच्छा माना जाता है कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। आपके स्किन में जो ग्लो लाने का काम करेगा ना ये, तो मतलब बहुत ही गजब का ग्लो लाता है। लेकिन आपने कंटिन्यूस यूज़ करना है, ये नहीं कि एक दिन यूज़ किया दूसरे दिन छोड़ दिया, नहीं, आपको कंटिन्यूस यूज़ करना है और इसका रिजल्ट आपको बहुत ही गजब का मिलेगा। आपके स्किन पर फेयर होने के साथ साथ, आपका टोन चेंज होने के साथ साथ, आपके स्किन में ये ग्लो लाने का भी काम करेगा। प्लस सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट हम लोग जो लेंगे इसमें वो है एलोवेरा जेल। जी हाँ, ये मैंने पतंजलि का लिया है, आप अदर किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे 1 चम्मच एलोवेरा जेल। और गाइस, एलोवेरा जेल के तो इतने सारे फायदे हैं कि मैं जितने भी बताऊँ उतने कम है। एलोवेरा जेल आप या तो ये ले सकते हो, या फिर आपके पास घर में प्लांट हो तो उसका भी आप लोग जेल निकाल कर यूज़ कर सकते हो। और गाइस, आप लोगों को अगर किसी भी टाइप का स्किन इन्फेक्शन है, या फिर आपको पिंपल दाग धब्बे कुछ भी प्रॉब्लम है कील मुहासों की, तो एलोवेरा जेल उसे सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपके स्किन में ठंडक प्रोवाइड करता है, मतलब पहुँचाता है अंदर तक। कितनी लेयर्स होती हैं उसमें पेनिट्रेट होता है, डीप पेनिट्रेट होने का काम करता है एलोवेरा जेल, बिकॉज ये लिक्विडी फॉर्म में होता है, हल्का सेमी लिक्विडी में। तो जो भी लिक्विड चीज़ होती है वो बहुत जल्दी पेनिट्रेट होती है, बहुत जल्दी वर्क करती है। जो कि हम अभी ये जो जेल बनाने वाले हैं, जो लिक्विड बनाने वाले हैं, ये भी लिक्विड फॉर्म में है, तो ये बहुत जल्दी पेनिट्रेट होगी। और जितनी जल्दी पेनिट्रेट जो चीज़ होती है वो उतना जल्दी ही वर्क करना शुरू करती है, और उतनी अच्छे तरीके से वर्क करती है। सो गाइस, चलिए हम इसे फटाफट से बना लेते हैं। कैसी हमारा जो लिक्विड है कुछ इस तरीके से है। ओके, देख सकते हो आप लोग इस तरीके से है। ओके,
तो इसमें कोई खास चेंजेस नहीं आते हैं कि ये जेल फॉर्म हो जाएगा या ये कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये नॉर्मल वैसे ही रहता है जैसा रहता है, मतलब लिक्विड जिस टाइप का रहता है। इसका कई बार होता क्या है कि जैसे हम लोग, मैंने इसके पहले भी आप लोगों को नाइट क्रीम बनाना सिखाया है, तो हम जब इन चीज़ों को मिक्स करते हैं तो एक जेल फॉर्म में हो जाता है। इसके साथ ऐसा नहीं है, ये लिक्विड में ही रहेगा। अब मैं इसे एक काम करूँगी, एक छोटे से कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसे कैसे यूज़ करना है और कितने दिन तक इसे स्टोर करके रखना है। As you can see, यहाँ पर मैंने एक छोटे सा कंटेनर ले लिया है, उसके अंदर मैंने इसे स्टोर कर लिया है। अगर हम इसकी शेल्फ लाइफ की बात करें तो ये 8 से 10 दिन तक आराम से रहता है। पर इसकी एक शर्त है कि अगर आप इसे फ्रिज में रखोगे तो ही रहेगा, अदरवाइज ये खराब हो जाएगा। फ्रिज में रखना है ठंडा ठंडा रात में लगाकर, और इसे सो जाना है, नेक्स्ट मॉर्निंग में इसे वॉश कर लेना है। जो भी आपका फेस वॉश यूज़ करते हो, मॉइस्चराइजर यूज़ करते हो, उसके बाद यूज़ कर सकते हो आप लोग। कोई भी ऐसी इसके पीछे ऐसी शर्तें नहीं है कि आप कुछ यूज़ नहीं कर सकते हो। तो आपने सब कुछ जो भी आप लगाते हो ना मॉर्निंग में वैसे ही रूटीन रखना है, बस रात में आपकी जो भी नाइट क्रीम के जगह आप इसे यूज़ करके और आपने सो जाना है, अच्छी तरीके से मालिश करके मसाज अच्छे से कर लेना है, और अच्छे तरीके से कंजूसी से नहीं लगाना है, अच्छी तरीके से लगाना है इसे, क्वांटिटी ज़्यादा लेकर, और 8 दिन तक ये आराम से चलेगा और बहुत ही सस्ता है गाइज। आप देखोगे मार्केट में जो महंगे महंगे नाइट क्रीम्स आते हैं वो कितने महंगे होते हैं, तो उनसे भी बहुत ज़्यादा सस्ता है। तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर यूज़ कीजिए और 15 दिन में ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। सो गाइस, ये रेमेडी मुझे तो काफ़ी पसंद है, मैं भी खुद यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग ज़रूर बताइएगा, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर बता दूँ कि जैसे किसी किसी की स्किन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो कोई भी इसे यूज़ करे उससे पहले यहाँ पर जॉ लाइन पर इसे पैच टेस्ट 1 नाइट के लिए लगा के रखना है यहाँ पर इतने पैच में, और इसे टेस्ट करके देखना है कि आपके स्किन पे कोई रिएक्शन तो नहीं कर रहा है, कुछ अलग रिएक्ट तो नहीं हो रहा है। तो अगर आपको सूट होता है तो आपने फिर इससे आगे कंटिन्यू करना है, अदरवाइज आप इसे या वहीं पर स्किप कर दीजिए। सो गाइस, मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा ले सके। सो गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।